भाई और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह, मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के इस दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।